सुबह सुबह का वक्त है, हमारे धर्म पत्नी जी उठ चुके हैं। रिन को अभी ले चलता हूँ मैं ब्रश करवाने के लिए। ना ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही, जितना बार जाना हो रहा है वॉशरूम वगैरह तो सब पकड़ के जा रहे। मैं कभी तो दीदी कभी तो सब वही पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। अब पेन अभी थोड़ा सा घटा है, मतलब पेट का पहले जो था। हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग, सुहार प्रणाम, और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तभी क्यों हुआ कैसे हुआ सबको तो पता ही है। अभी चलो फिलहाल अभी तो हम लोग चलते हैं, इनको ब्रश करवा के आते हैं। और दीदी अभी इधर खाना बना रही है, रोटी सब्जी बन गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा समीर स्कूल जाना है ना आपको, तो रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है, बना के रखेगा, मैं मुंह धो के आना है। ये सब में ऑफ है ना, तो उसमें और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना उठने में। आराम आराम से चला, उठो धीरे धीरे उठो। थोड़ा थोड़ा भी चलना मुश्किल हो रहा है। चलते तो अभी चलते हैं बाहर, वहीं पे ब्रश करवा लेते हैं उनको। मतलब बाहर गया वही बाहर तरफ हमारा, इधर तो ब्रश यहाँ कहीं पानी तो गिरा नहीं सकते हैं, यहाँ पर चलने नहीं सक रहे, फिर भी उसको वहीं पे बाड़ी लेके चलना पड़ेगा धीरे धीरे करके। वहाँ पर गिराएंगे तो फिर दो गाली सुनने के। रोटी में पानी जाएगा और फिर आएंगे। चलो चलो क्या हो, कुछ नहीं, हल्का हल्का पेन कर रहा है पेट के साइड में। बैठेगा नहीं, क्या कर चेयर ला दे बाहर। खटिया को लास्ट में इनको वो चेयर तो हटा दिया, इस खटिया में ही बैठा दिया क्योंकि तकलीफ ना हो उठने बैठने में। हो गया बड़ा, झुकने उकने में भी बड़ी काफ़ी तकलीफ हो रही है इनको अभी। कितना दिन से, उस दिन से जिस दिन से हॉस्पिटल उस दिन से तो मुंह में थोड़ा सा साबुन भी, अरे पानी उन्हें भीगेगा यार, ध्यान से। किसी किसी का नजर हो तो सही ना भाई, कोई यदि कुछ कर रहा है तो बस नजर लगाए रहता है कि क्या हो गया क्या नहीं, इसीलिए तो देख रहे। कभी ना कभी हमारे साथ घटना हो ही रहा है, कभी पापा का हाथ टूटा, कभी भगना का हाथ टूटा, कभी हाथ इनका कुछ हो जाता है। रात को मैं तो सो गई, सोई ही नहीं, रात को 3 बजे सोई, मेरा मतलब पूरा नींद ही नहीं आ रहा है, घबराहट सा लग रहा है। बस उनको यही फील हो रहा है कि नींद नहीं आ रहा है, घबराहट सा लग रहा है, कोई कोई आ रहा है इधर उधर से, वही बस उसको फील ही लग रहा है। हे भगवान, कहीं कुछ नहीं, फिर भी मैं तो सो गया था, मैं बीच में देखा कि ये तो बैठी हुई है, फिर लास्ट में सोई रात के वही 3 बजे टाइम सोई है, और फिर सुबह हुआ जैसे फिर उठ गया हड़बड़ा। उठने के बाद क्या है, बाहरों अकेले जा नहीं पा रही है, मैं ही जाके उठा के लाता हूँ, आता हूँ, फिर दीदी लोग कभी कभार पकड़ के ला रहे हैं। बना दिले कंकी की नहीं किया जी, कंकी करो मामी, बहुत ज्यादा तकलीफ होला क्या, अभी मत बुला मामी को छोड़ दो, हैप्पी एप्पल में बैठ के हैप्पी। थायराइड वाला भी दवाई तो खा लूँ, उसके बाद दूसरा टेबलेट ले लेंगे हम। मीडियम सा है, ज़्यादा ऐसे थायराइड मतलब नहीं है, थोड़ा सा, इसीलिए फिर भी डॉक्टर बोला कि उससे दिक्कत ना हो, इसीलिए वो चीज़ दे देते हैं, अरे भी बुरा ही चलेगा ही है, नहीं तो बच्चा का आगे जाके प्रॉब्लम होगा ना। ये खाली पेट वाला दे। ओ ओ आराम से
बिल्कुल आराम आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में दीदी अंजलि को खाना खिला दे रही, क्योंकि उसको हाथ में ना रोटी सब तोड़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए दीदी आगे खिला दे। हैप्पी लाइन लगा के रखी जो मेरा खाना, तुम एक रोटी खाई नहीं रे पगले, हैप्पी तू भी एक रोटी खाई ना, आज तुमको दे रहे मम्मी खिला दो मम्मी। तकलीफ हो रहा है अभी भी बेचारे का, चक्कर चक्कर टाइप पूरा लग रहा है। हमको तो लगता है किसी कोई तो वहाँ पर था ऐसा आदमी जो ऐसा करके गिरा दिया, कहीं हाथ तो छू नहीं सकता है लेकिन अंदर वाला जो छूता और है। और एक केस क्या हुआ, और एक केस क्या हुआ, सब लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारे टाइम में ऐसे डिलीवरी होती थी, हम लोग सब घर का काम करते थे और हम लोग को नॉर्मल डिलीवरी होती थी। यही वाला सीन उस दिन हम लोग हॉस्पिटल गए तो सेम वैसे वाला लोग, उनका सोच जो रखने वाले घर के उनके ससुराल के लिए, सब वही लोग बोलते हैं अरे हमने भी तो बच्चा पैदा किया है, हमने नॉर्मल डिलीवरी किया, सब घर का काम करते हुए किया है। वैसी सोच के कारण उसको भी इस तरह से घर में काम करवाया जाता था। और लड़की का लास्ट औरत का ऐसे हुआ कि उसको 8 महीना में ही उसको बच्चा को मतलब निकालना पड़ा, इतना पेन बढ़ गया उसके कारण से, दवाई दिया गया लास्ट में 8 महीना में, जो भाई बच्चा ठीक से प्रिपेयर नहीं हो और उसको निकालोगे तो क्या होगा, तो लास्ट में वो बच्चा डेथ ही कर गया। वो देखिए इतना ख़राब लगा हमको, सोचिए अभी का जो हमारे वीडियो बहुत लोग कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे टाइम ऐसे थे वैसे थे, हम लोग ऐसे हमारा बच्चा हो गया, कुछ तो करना था, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी होता, सबके साथ एक जैसा केस नहीं होता है, और उसी केस के कारण वो बच्चा जो हुआ, अब उसका कौन ब्लेम लेगा भाई किसके कारण हुआ, वो बच्चा तो चला गया दुनिया से, ख़त्म हो गया। एक बच्चा अपना बच्चा को पेट में पाल के रखती है माँ ही सह सकती है, और उसके अलावे कौन समझ सकता है उसका दर्द, कितना भी बोलने को बोल दे कि हाँ आपको दर्द समझ सकता हूँ। बच्चा चला गया, सबसे ज़्यादा दुख उसके माँ को होगा, बाकी लोग तो एक दो दिन बाद भूल जाएंगे, सब हंसे खुशी में आराम से रहेंगे, लेकिन माँ को जब भी उस बच्चा का नाम देगा देखना रो लेगा वो फूट के, क्योंकि वो बच्चा का दर्द माँ से बढ़ के और कोई नहीं समझ सकता है। तो प्लीज़ जिस तरह से किसी को भी कमेंट ना करे और ना किसी को सलाह दे कि मेरे टाइम ऐसे होता था वैसे होता था करके, सबके टाइम एक जैसा नहीं होता है और सब समय एक जैसा नहीं होता, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत गंदा फील हुआ ये वाला चीज़ समय। देखिए दोस्तों, दीदी जैसे अंजलि का ऐसे हालत देखा कि इतना बीमार पड़ गई है, तो उसी में से अपना रिएक्शन बताइए, जो जो बोलते हैं ना हम लोग ने बड़ा किया, हम लोग ये किए हैं। अभी देखिए दीदी इतना बड़ा बात बोल दिया, सुन के आप लोगों को पता चल जाएगी कि हमारी पहले क्या हालत थी। देखिए मैं उतना हो सके अच्छे से नहीं बता पाता हूँ, लेकिन दीदी लोग जो है मेरी, जो हम लोग को बड़ा किया, खास करके मैं उनको बोलूँगा बड़ा किया, मम्मी पापा दीदी लोग के कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके थ्रू से आप सुनिए कि क्या क्या हमें झेलना पड़ता था उस टाइम। और जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़, ये मेरे बड़ी दीदी का चैनल है, जैसे सावित्री दीदी है उसी तरह ये मेरे बड़ी दीदी है, भगना खुला है ये चैनल संदीप, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ प्यार दीजिएगा, और हो सके तो आज ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके पार कर दीजिएगा। ये देख वही लोग खराब करते, वही मतलब सबका दुख, वही दीदी पूरा रोने लग गई थी दीदी से, मतलब जब से वीडियो देखा तब से मतलब कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मतलब दिमाग ही कोनो काम नहीं कर रहा, क्या होगा क्या नहीं, और जानते हैं मामी मतलब एक थोड़ा में कितना ये हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग भी सोच रहे हैं। जब हम लोग बचपन थे तब हम लोग कोई नहीं, जैसे गुलगुलिया बोलते थे, जब हम लोग घर से किसी के घर जाते थे हम लोग को निकाल कबाड़ी बंद कर देते, मम्मी पापा हम लोग बहुत तकलीफ से बड़ा किया था। आज जब मेरा भाई ऊंचा हुआ तो सबके जलन हो रहा है, क्यों कि मेरे पहले मम्मी को नहीं देख पा रहे थे, आज हम लोग को मेरे भाई भाई जब मेरा भैया जब बड़ा छोटा छोटा था तब कितने तकलीफ, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पहनने के फटा हुआ कपड़ा दूसरों देते थे, फिर तो वही पहन के हमारा भाई स्कूल जाते थे, और हम लोग भी वही पहनते थे, दूसरों के घर में पुराना फटा हुआ कपड़े मिलती थे वही हम लोग पहनते थे। आज हमारे भाई के ऐसा करते बोलते हैं बगल वाले, मम्मी के तो ऐसा कहते थे पहले से देख नहीं सकते थे, कहते तो कोयला 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 जैसा बेटी जन्माई है, कोयला जैसा कौन इसको शादी देगा। तब हमारे पापा जैसे भी तकलीफ करके मेरी मम्मी से 3 महीने में शादी दे दी, और दूसरी बात जब शादी का लाइक हो तो मेरा छोटा भाई बीमार पड़ गया, बीमार के चलते मेरी माँ गुजर चुके, रात दिन 1 साल तक सोई नहीं थी, ना कभी खाना खाती थी ठीक से, ना कभी, सब सोच रहे थे अपने बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे, कैसे हमारी बेटी सब खुशी रहेंगे। जैसे भी ढूंढ के हमारे पापा शादी, गाँव वाला कोई भी हमारा शादी नहीं लगाया, चारों बहन के
हमारे पापा जैसे गोरु बगल जैसे गोरु बेकार करते हैं, उसी तरह मेरे पापा गांव गांव में घूमते थे। कितना लोग कितना ताना मारते थे। कितना रुपया दे सकता है जब अपने बेटी की शादी देगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी दीदी का कि कैसे कैसे हम लोग तकलीफ पड़ना पड़ता था। कहीं भी हम लोग ऐसे होता था कि फटा पुराना कपड़ा कोई दूसरा कोई हो गया जिसका बच्चा था ताक दे देता था हमें, तो वही सब पहनते थे। फटा वटा कपड़ा जो भी होता पहन के हम लोग स्कूल जाते थे। यही सब जिंदगी थी। दीदी लोग को मतलब हम लोग किसी घर जाते थे निकाल दिया जाता था, और दीदी लोग को तो हमेशा काली ये वो तो सब गाली में तो बौछार लगा रहता था हमेशा। कौन इसे शादी करेगा, कौन लोग शादी करेगा। एक रुपया का भी कोई बोल दे कि भाई हाँ चल हम इसका शादी में दिए हैं, यदि दिया कोई पैसा तो तुरंत अरे पैसा दिया कोई निकाल जो दिए थे शादी में, ऐसे करके। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने आज हमें के आशीर्वाद प्यार के कारण ही यहाँ तक पहुँचे कि हम लोग किसी को मदद कर पाते हैं। और मैं तो ये रखा हूँ कि जिसको मैं मदद किया हूँ कभी मेरा वो हालत ना हो कि उनकी मदद के लिए मैं उसकी मदद के लिए आगे हाथ फैलाऊँ। और मैं तो कभी वो सब कभी नहीं बोलूँगा चलो पैसा लाओ मैंने दिया है। मैं किसी को भी मदद करता हूँ तो कभी नहीं बोलता, किसी को लड़की का शादी हो तो मैं कभी नहीं बोलता कि भाई पैसा देना या नहीं। बस मेरा जो हो सके मैं अपना क्षमता देता हूँ, ना मैं मुखिया हूँ ना कहीं कुछ का हूँ कुछ, बस अपने जो क्षमता भगवान आज बनाए। तो आज ना मैं कुछ हूँ ऐसे बैरिस्टर हूँ ना कुछ सरकारी मेरा नौकरी है, यही यूट्यूब से जो कुछ भी आता है उसी से अपना फैमिली भी चलाते हैं और उसी से जितना हो सके सबका मदद भी करते हैं। चलो कोई बात नहीं वो अलग बात है। दोस्तों आज के वीडियो यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।